बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्दी फूड्स, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाएंगे जी पोटैटो वेज्स। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तीन पोटैटोज लिए हैं मैंने, उनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, ठीक है। ये छिलकों के साथ ही वेजीज अच्छे लगते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम कर लेंगे टू पीसेस में डिवाइड इस तरीके से, और फिर इसको अगेन टू पीसेस में, ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हम वेजीज तैयार कर लेंगे सारे। मैं आपको सेकंड वन भी चेक करवाती हूं। ये देखिए इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है, और ये देखिए ये थोड़े से मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पोटैटोज की कटिंग कर लूंगी। ये देखिए जी सारे वेजीज हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए जी कढ़ाई में मैंने पानी लिया है इसको बॉईल करने के लिए। पोटैटो वेजीज हम इसमें डाल देंगे। हाई फ्लेम पे इसको हम बॉईल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम, ठीक है। इसको हम 5 to 8 मिनट्स बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। इसको हमने 80% तक कुक करना है, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। 8 मिनट्स हो गए हैं तकरीबन, फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हम स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे पोटैटोज निकाल लूंगी, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए जी इस तरीके से मैंने इसको शेल्फ पे फैला दिया है, और आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा या टिश्यू ले लेना है, उसे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इस तरीके से इसको प्रेस करना है और इसका पानी ड्राई कर लेना है, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा ज़ोर से आपने इसको प्रेस नहीं करना वरना पोटैटोज टूट जाएंगे क्योंकि बॉइल्ड हैं। इस तरीके से मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी कढ़ाई में मैंने लिया है 1/2 लीटर के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ऑयल हमारा गर्म हुआ है। इसमें मैं एक साथ नहीं डालूंगी, 1 by 1 हम इसमें डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मैं सारे इसमें डाल दूंगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही मजे के बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। सारे वेजीज मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, ठीक है। इसको हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे जब तक कि इसका प्रीटी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं, और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इन पे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है ताकि इसमें स्पाइसेस ऐड करने में आसानी रहे। 1/2 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूंगी। आप अपने जायके के मुताबिक दोनों चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आवाज़ आ रही है इसकी, ये इसकी क्रिस्पनेस की आवाज़ आ रही है आपको। इसको मैं मिक्स कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो लीजिए जी तैयार है हमारे मज़ेदार से झटपट बनने वाले क्रिस्पी पोटैटो वेज्स। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।